नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं अंशिकी जड़िया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको देंगे आज की बॉलीवुड जगत की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा 13 मई को दिल्ली में सगाई करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही परिणीति और राघव मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दोनों की एयरपोर्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। अब एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए परिणीति चोपड़ा का घर सजकर तैयार हो गया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल होती नजर आ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा की होने वाली दुल्हनिया का मुंबई वाला घर खूबसूरत लाइटों से पूरी तरह सजा हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लग रहा है कि राघव और परिणीति की सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस वीडियो को देख लोग राघव और परिणीति को शादी की ढेरों बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। परिणीति चोपड़ा के घर के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। YRF की स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 पिछले काफी लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। लेकिन टाइगर 3 में दर्शकों के लिए एक और सरप्राइज एलिमेंट भी रखा गया है। दरअसल पठान के बाद अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और सलमान खान टाइगर 3 में एक साथ एक्शन करते नजर आएंगे। अब टाइगर 3 को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान ने टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को एक्टर शाहरुख खान ने सलमान खान को मड आइलैंड में टाइगर 3 के सेट पर ज्वाइन किया है। यहां दोनों स्टार्स फिल्म के लिए स्पेशल सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए सेट पर हाई सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। हाल ही में एक्ट्रेस को टाइम्स मैगजीन के कवर पर जगह मिली है। इस मैगजीन के कवर पेज पर नजर आने के साथ ही दीपिका ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पठान के ऑरेंज बिकनी विवाद से लेकर JNU विवाद तक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बताते चले कि वर्ष 2020 में दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक के सिलसिले में दिल्ली आई थी। उसी दौरान उन्होंने JNU का दौरा भी किया था, जिस दौरान दीपिका के JNU दौरे को खूब आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इसका असर छपा की कमाई पर भी पड़ा था। इसके अलावा फिल्म पठान के बेशरम रंग गाने के दौरान दीपिका के ऑरेंज बिकनी विवाद ने तूल पकड़ा। दीपिका ने राजनीतिक कंट्रोवर्सी को लेकर कहा है कि जब ये सभी विवाद चल रहे थे तो वो उस समय अपने काम में व्यस्त थी। दीपिका ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में कुछ महसूस करना चाहिए या नहीं, लेकिन सच तो ये है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। पैन इंडिया स्टार ने पुष्पा द राइज फिल्म में काम कर नॉर्थ में भी अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है। एक्टर के फिल्मों के सही चुनाव ने उन्हें बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों का बादशाह बना दिया है। ना सिर्फ फैंस बल्कि मनोरंजन जगत के सितारे भी अल्लू अर्जुन की तारीफें करते नहीं थकते। इस लिस्ट में अब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का भी नाम जुड़ गया है। हाल ही में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की तारीफ करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि मैंने पुष्पा द राइज देखी और बड़ा मजा आया, मुझे उनका प्रदर्शन भी पसंद आया। वह पुष्पा में लुंगी पहने हुए बहुत देहाती और बेहद अलग लुक में नजर आ रहे थे। उन्होंने ऐसा किरदार निभाया और फिर भी वो हीरो हैं। ये सराहनीय है कि वह इस तरह के लुक और भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। हमारे हिंदी फिल्म के हीरो थोड़ी ना ऐसे दिखना चाहेंगे। अल्लू अर्जुन की तारीफ में हेमा मालिनी ने काफी बड़ी बात कह दी है। साथ ही उनकी तारीफ कर हिंदी सिनेमा के सितारों पर तंज कसती भी नजर आई है। पर्दे पर हर तरह के किरदार में फिट बैठने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में बड़ी घोषणा की है। आलिया ने बताया है कि वो इटालियन लग्जरी फैशन हाउस गुची की इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इस बात की खुशी आलिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की है। वहीं इस पर उनके फैंस समेत सितारे भी एक्ट्रेस को दिल खोलकर बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में गुची की ब्रांड एम्बेसडर बनने की घोषणा कर फैंस का दिल जीत लिया है। आलिया ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। आलिया के अनाउंसमेंट के बाद से इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां ने पोस्ट पर रिएक्ट भी किया है। बता दें कि एक जगह जहां कुछ लोग आलिया को बधाई देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें कैटरीना कैफ की कॉपी बता रहे हैं। बात करें आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की, तो आलिया भट्ट जल्द ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाली हैं। इस मूवी में उनके अपोजिट रणवीर सिंह होंगे।
पैन इंडिया फिल्म आदिपुरुष रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर रही है। फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों के बीच उत्साह और बढ़ा दिया है। आलम यह है कि लोग बार बार ये ट्रेलर देख रहे हैं। प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान और सनी सिंह अभिनीत इस फिल्म ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कायम किया है। इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर अब तक सबसे ज्यादा देखा गया ट्रेलर बन गया है। ये रिकॉर्ड भी ट्रेलर ने महज 24 घंटे के भीतर ही तोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिपुरुष का ट्रेलर 24 घंटे के अंदर 52 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी ट्रेलर बन गया। इसके बाद रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर अभिनीत तू झूठी मैं मक्कार, जिसको 50 मिलियन व्यूज मिले थे। ओम राउत के निर्देशन में बनी आदिपुरुष का ट्रेलर 9 मई को रिलीज किया गया था। ट्रेलर में दिखाए गए VFX से लेकर सितारों के लुक की काफी तारीफें हो रही हैं। प्रभास जहां श्रीराम के रोल में है, तो वहीं कृति सैनन माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। बता दें कि ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी ने रिलीज के चंद दिनों में छप्पड़ फाड़ कमाई कर ली है। भारत में तहलका मचाने के बाद अब फिल्म शुक्रवार को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज हो गई है। भारत में द केरल स्टोरी की सफलता के बाद मेकर्स ने फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म को पहले ही देश में 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब द केरल स्टोरी को दुनिया भर में 40 से ज्यादा देशों में रिलीज कर दिया गया है। द केरल स्टोरी की बढ़ती डिमांड और वर्ल्ड वाइड रिलीज से डायरेक्टर सुदीप्तो सेन 7वें आसमान पर हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी पोस्ट किया है और फिल्म से जुड़ी अपडेट भी दी है। सुदीप्तो सेन ने द केरल स्टोरी के बारे में बताते हुए ट्वीट किया है कि भारत में अब तक इस फिल्म को 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। द केरल स्टोरी एक साथ 40 से ज्यादा देशों में रिलीज हो रही है। ज्यादा से ज्यादा नंबर जुड़ते जा रहे हैं। द केरल स्टोरी भले ही बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़फाड़ कमाई कर रही हो, लेकिन रिलीज के पहले फिल्म को खूब विवाद झेलना पड़ा था। रोहित शेट्टी की फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स दिवाली 2023 पर रिलीज होगी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली है। इसके साथ रोहित शेट्टी का डिजिटल डेब्यू भी होगा। पिछले एक साल से भारत के कई राज्यों में इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा शिल्पा शेट्टी की भी अहम भूमिका है। वहीं इसमें विवेक ओबेरॉय भी नजर आएंगे। वेब सीरीज भारतीय पुलिस बल पर आधारित है। ये इस वर्ष की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज में से एक है। इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और शूटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। अब इस बात की जानकारी मिली है कि ये फिल्म दिवाली 2023 में Amazon Prime पर रिलीज होगी। रोहित शेट्टी से जुड़े सूत्रों ने इस बारे में बताते हुए बताया कि दिवाली के अवसर पर रोहित शेट्टी ने दर्शकों को काफी मनोरंजन किया है। वे इस बार भी ऐसा ही करने वाले हैं। वो इंडियन पुलिस फोर्स के माध्यम से दर्शकों के पास आएंगे। सूत्रों ने ये भी बताया है कि शो का कंटेंट क्लीन होगा, जिसे दर्शक अपने परिवार के साथ देख सकेंगे। सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2010 में सलमान खान की फिल्म दबंग से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में पुरुष प्रधान फिल्मों को चुना था, जिसमें महिलाओं की भूमिका कुछ खास नहीं थी। सोनाक्षी ने बीते कुछ वर्षों में एक बदलाव किया है। एक्ट्रेस ने हाल ही में इसको लेकर बात भी की है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी ने खुलासा किया है कि उन्होंने पहले सहायक भूमिकाएं क्यों चुनी और उनकी पसंद में क्या बदलाव आया है। एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआत में सहायक भूमिकाएं की हैं क्योंकि वो बड़ी फिल्में थीं और उन्हें उनमें काम करने का मौका मिला था। ऐसी फिल्मों की दर्शकों के बीच ज्यादा पहुंच भी थी। इस प्रकार उन फिल्मों ने उन्हें फेमस भी बना दिया। सोनाक्षी ने आगे कहा कि इस तरह की भूमिकाएं निभाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो किसी और चीज से मेल नहीं खाती। एक्ट्रेस अब जल्द ही वेब सीरीज दहाड़ में नजर आएंगी, जहां वो एक सख्त पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाती नजर आएंगी। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग और कंटेंट की जमकर तारीफ हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स से खूब सराहना भी मिली थी। अब मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को OTT पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। रानी मुखर्जी ने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के साथ लंबे वक्त के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। फिल्म में उन्होंने एक माँ का दमदार किरदार निभाया, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। फिल्म में रानी की परफॉर्मेंस की हर तरह से तारीफ हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब शुक्रवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की रिलीज की घोषणा कर दी है। प्लेटफॉर्म ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की अपडेट शेयर करते हुए बताया कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे 12 मई से नेटफ्लिक्स पर यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिसके बाद से फैंस में भी काफी उत्सुकता नजर आ रही है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले। उजाला।
चले।